हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे थे और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इट्स कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। एंड बिफोर डूइंग दैट वी विल लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग कॉल्ड कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। सो आज हम लोग कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से विल स्टार्ट विथ फीचर एक्सट्रैक्शन। सो आई शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली क्या है कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। सो एज यू ऑलरेडी नो, हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया था कि फीचर इंजीनियरिंग में ये चार इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आते हैं। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हैंडल करना है, आउटलायर डिटेक्शन एंड फीचर स्केलिंग। ठीक है, हमने काफ़ी दिनों में ये सब कुछ कवर कर लिया। फिर हमने लास्ट वीडियो में फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग भी कवर कर लिया। ठीक है, अब जो चीज़ें बची हैं वो ये दोनों हैं, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। और ये दोनों का दोनों जो टेक्निक्स है ये रिलेटेड है कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी से। ठीक है, तो द प्लान इज दिस कि आज इस वीडियो में आई विल टीच यू कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, और फिर कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी के बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन, और फिर हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फीचर सिलेक्शन जो टेक्निक है ये हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, लाइक आफ्टर स्टडिंग ऑल द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। बिकॉज फीचर सिलेक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसको जनरली यूज किया जाता है आफ्टर मॉडल बिल्डिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या फीचर हटाने से या घटाने से कोई फायदा होता है कि नहीं हमारे मॉडल के परफॉर्मेंस में। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ फीचर एक्सट्रैक्शन, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज पीसीए। हम पीसीए को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट टूडेज वीडियो विल बी ऑल अबाउट कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, वॉट इट इज, मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब ये पूरा वीडियो मैं अभी शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पुराना वीडियो है मेरा जिसमें मैंने कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी एक व्हाइट बोर्ड पर समझाया था। आई एम गोइंग टू यूज दैट वीडियो बिकॉज मैंने अच्छा समझाया उसमें, मेरे को लगता है। तो आई विल बी अटैचिंग दैट वीडियो टू दिस वीडियो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय। Okay guys, so today we'll discuss this important topic, curves of dimensionality. Okay, so let me first define what this term is, what is curves of dimensionality. So machine learning mein we have columns, right? We have columns, jisko hum features bolte hain, right? So har data set mein there are multiple columns, we call them features. So कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी इज बेसिकली फीचर्स को ही यू ऑल्सो कॉल डायमेंशंस, राइट? सो कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी इज बेसिकली कर्व्स ऑफ फीचर्स। सो इसको ऐसे बोला जा सकता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ने लगते हैं ना, देयर इज ओनली एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स, उससे ज्यादा अगर तुम फीचर्स ऐड करो अपने मॉडल में तो कोई फायदा नहीं होता। मतलब तुम्हारा एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगा और तुम्हारे मॉडल का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, उल्टा परफॉर्मेंस नीचे जा सकता है और कंप्यूटेशनली तुम्हारा मॉडल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो द होल आइडिया इज दिस कि देयर इज एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स एफ एन, उससे अगर तुम कुछ भी बढ़ाओगे, लेट्स से एम, मतलब लेट्स से ये 4 है और ये 5 है, देयर इज नो बेनिफिट, राइट? 4 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स जिसपे तुम्हारा मॉडल सबसे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर फीचर्स ऐड करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा हो सकता है कि नुकसान हो जाए। ठीक है, दैट इज द आइडिया ऑफ कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ओके, सो ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। मतलब सोच के देखो, आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिससे तुमको समझ में आएगा कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इफ यू रिमेंबर, वी हैड आवर एनिस्ट डिजिट हैंडराइटिंग क्लासिफायर वाला डेटा सेट, राइट? जहाँ पे हैंडराइटिंग डिजिट्स लिखे हुए थे अलग अलग, राइट? अलग अलग डिजिट्स लिखे हुए थे, हैंड राइटिंग डिजिट्स लाइक दिस। इफ यू टॉक अबाउट दिस डेटा सेट, इफ यू रिमेंबर, वहां पर हमने हमारे पास 28x28 पिक्सल्स थे, देर वर पिक्सल्स, दीज पिक्सल्स, राइट? देर वर 784 पिक्सल्स इन द गिवन इमेज। और जब हमें क्लासिफिकेशन करना था इसके ऊपर, हमने क्या किया, हमने हर पिक्सल को एक फीचर में कन्वर्ट कर दिया, F1 टिल F784, राइट? बट ध्यान से देखो, द थिंग इज, सोच के देखो,
इसी को हम अपने मॉडल को दे रहे हैं। अब सोचो अगर हमारा मॉडल सिर्फ इतने एरिया में जितने पिक्सल्स हैं, इतने एरिया में जितने पिक्सल्स हैं, सिर्फ इसके ऊपर अगर काम करे तो ऑब्वियसली उसका एक्यूरेसी खराब होगा, राइट? बट व्हाट इफ मेरा मॉडल इतने एरिया में काम करे, राइट? अगर वो इतने एरिया में काम करेगा तो ऑब्वियसली उसका एक्यूरेसी सबसे ऑप्टिमल आएगा, सबसे अच्छे तरीके से वो क्लासिफिकेशन कर पाएगा। अब इमेजिन मेरा मॉडल सारे के सारे पिक्सल्स को यूज करने लगे टू डू द क्लासिफिकेशन, तो ये जो इतना एरिया है ना, ये तुमको कुछ खास हेल्प नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे जो पिक्सल्स हैं इनकी वैल्यू में चेंजेस होने से डिजिट्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सो इन अ वे क्लासिफिकेशन में तुमको कुछ हेल्प नहीं मिल रहा। सो द होल पॉइंट इज कि अगर तुम बहुत कम फीचर्स लेते हो तो भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तुम अगर बहुत ज्यादा फीचर्स लेते हो तब तो और भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुमको एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन भी करना पड़ रहा है, बट अगर तुम एक ऑप्टिमम सेट ऑफ फीचर्स लेते हो तब तुम्हारा मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा। एंड दैट इज व्हाट कर्व्स ऑफ डाइमेंशनैलिटी इज। कर्व्स ऑफ डाइमेंशनैलिटी स्टेट्स कि जैसे जैसे तुम फीचर्स ऐड करते जा रहे हो धीरे धीरे मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बट देर विल बी एन ऑप्टिमम लाइन, देर विल बी एन ऑप्टिमम पॉइंट, उसके बाद तुम्हारे मॉडल का फीचर, तुम्हारे मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ना कम हो जाएगा और उसके बाद फीचर्स ऐड करके कोई फायदा नहीं है। दैट इज व्हाट कर्व्स ऑफ डाइमेंशनैलिटी इज। अब सोच के देखो मशीन लर्निंग में यू विल फाइंड आउट कि बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास हाई डायमेंशनल डेटा होगा, बहुत बार। मैं तुमको एक दो एग्जाम्पल्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकता हूँ जहां पे हाई डायमेंशनल डेटा मिलेगा ही मिलेगा। वन इज वन वे वन वेन यू वर्क विथ इमेजेस, जैसा अभी एक एग्जाम्पल लिया। सेकेंड इज वेन यू आर वर्किंग विथ टेक्स्ट डेटा, हमने वो ईमेल स्पैम क्लासिफायर बनाया था वहां पर भी हमने 3000 कॉलम्स के ऊपर काम किया था, तो इमेजेस और टेक्स्ट के ऊपर तुम जब भी काम कर रहे हो इट्स गोइंग टू बी हाई डायमेंशनल। ओके, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स कैसे निकालने हैं, राइट? बाय द वे अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, नाउ लेट्स डिस्कस कि होता क्या है हायर डायमेंशन स्पेस में, एग्जैक्टली हो क्या है हायर डायमेंशन स्पेस में, व्हाट इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से काम नहीं चल रहा ठीक से, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो अगर तुमको कोई एक वर्ड में आंसर बताए, द रीजन इज स्पार्सिटी। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे तुम डायमेंशंस बढ़ा रहे हो तुम्हारे जो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, तुम्हारे जितने भी रोज हैं, वो बहुत स्पार्स हो रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हो रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद अ स्मॉल बट गुड एग्जाम्पल। लेट से तुम अपने स्कूल में गए, अपने कॉलेज में गए और वहां पर तुम एक पर्टिकुलर दिन तुम्हारा वॉलेट खो गया, ठीक है? नाउ तीन केसेस हैं, सोच के बताना किस केस में तुम्हारा वॉलेट का मिलना सबसे ईजी है। पहला केस, जब तुमको श्योर शॉट पता है कि तुमने कॉलेज गेट से इंस्टीट्यूट बिल्डिंग का जो रोड है उस रोड पे ही अपना वॉलेट खोया। सेकेंड केस, तुमको पता है कि तुमने कॉलेज के बड़े से प्लेग्राउंड में अपना वॉलेट खोया। थर्ड इज कि तुमने कॉलेज बिल्डिंग जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहां पर अपना वॉलेट खोया। खुद सोच के अगर देखोगे तो ऑब्वियसली द इजिएस्ट केस वुड बी टू फाइंड योर वॉलेट ऑन द रोड बिकॉज इट्स अ वन डायमेंशनल स्ट्रिप, राइट? तुमको पता है कि इधर ही कहीं पर होगा, इसके ऊपर चल के तुमको समझ में आ जाएगा। बट इफ इट्स अ प्ले ग्राउंड, इफ इट्स अ बिग प्ले ग्राउंड, इट्स अ 2D स्पेस, कहीं भी हो सकता है, राइट? एंड वॉट इफ इट्स अ बिल्डिंग, देन इट्स अ 3D स्पेस, ठीक है? अब हर यहां पर भी वो छोटा सा वॉलेट ही है, यहां पर भी वो छोटा सा वॉलेट ही है और यहां पर भी वो छोटा सा वॉलेट ही है, बट जैसे जैसे तुम बड़े हायर डायमेंशन में जा रहे हो वो एक डेटा पॉइंट को खोजना मुश्किल हो गया, राइट? बिकॉज चीजें स्पार्स हो रही है, ठीक है? आई कैन गिव यू वन मैथमेटिकल एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास फाइव, देर आर फाइव पॉइंट्स, ठीक है? ये मेरा नंबर एक्सिस है या एक्सिस है, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव, ये मेरा नंबर लाइन है। इसके ऊपर मेरे को चार पॉइंट्स मैंने ऐसे डाल दिए, एक दो तीन चार। सो इन अ वे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर ब्लॉक के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर देर इज वन पॉइंट। नाउ लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से मैंने एक और एक्सिस ऐड कर दिया, राइट? मैंने एक और एक्सिस ऐड कर दिया, वाई एक्सिस। सो ऐसा कह सकते हो ये मेरा पहला फीचर है, लेट्स से ये हाइट है और ये वेट है। अब यहां पर भी वन टू थ्री फोर एंड फाइव है, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्सेस भी तो बढ़ गए ना,
नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ गए लेकिन डेटा पॉइंट्स तो अभी भी उतने हैं, नंबर ऑफ रोज तो अभी भी उतने हैं, लेकिन सिर्फ अभी अभी 5 ब्लॉक्स थे, अब 25 हो गए। इमेजिन करो अगर मैं एक और एक्सिस ऐड करूं तो ये 125 ब्लॉक्स हो जाएंगे। सो पहली बार में 5 ब्लॉक में 4 पॉइंट्स थे, फिर 25 में 4 पॉइंट्स थे, और अब 125 में 4 पॉइंट्स हैं। तो डेटा स्पार्स हो गया ना। अगर तुम बात करो हायर डायमेंशन स्पेस में क्या हो रहा है, डेटा स्पार्स हो रहा है, एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वो स्टैटिस्टिकल होती है, ठीक है, मैथमेटिकल होती है, तो वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ऊपर रिलाई कर रही है अपना प्रिडिक्शन के लिए, राइट। तुमको KNN याद होगा, KNN क्या करता है कि अगर उसको इस पॉइंट का क्लास बताना है तो उसके नियरेस्ट पॉइंट का क्लास पता करता है, राइट। तो ये डिस्टेंस निकाला जा रहा है ना। अब जैसे तुम हायर डायमेंशन में जाते जा रहे हो ये डिस्टेंसेस बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि स्पार्स होता जा रहा है सब कुछ। तो अगर ये स्पार्स होता गया बहुत ज्यादा तो इन डिस्टेंसेस का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप क्या बोल रहे थे कि ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, बट हायर डायमेंशन स्पेस में अब ये ऑलरेडी पॉइंट इतना दूर है कि इसको नेबर बोलना ही गलत हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली इस एल्गोरिदम का KNN का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जाएगा। सो हायर डायमेंशन स्पेस में क्या हो रहा है कि आपके जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो फेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पार्सिटी, डेटा में स्पार्सिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, तो क्या करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। आई विल राइट इट डाउन। दो सॉल्यूशन हो सकते थे। बाय द वे सिर्फ ये नहीं हो रहा कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खराब काम कर रहा है, एक और प्रॉब्लम भी हो रहा है। अगर वो काम कर भी पा रहा है तो भी उसको एक्स्ट्रा बहुत काम करना पड़ रहा है, राइट। फर्स्ट रीजन इज कि परफॉर्मेंस डिक्रीजेस एल्गोरिदम का, राइट। सेकेंड इज कंप्यूटेशन बहुत बढ़ जा रहा है। सोच के देखो अगर आपको 2 डायमेंशन में डिस्टेंसेज निकालने हैं, सो सिंपल, 700 डायमेंशन में अगर आपको डिस्टेंसेज निकालने, दैट इज सो डिफिकल्ट। तो कंप्यूटेशन भी बहुत बढ़ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, कभी कभी तो इसको कंप्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, फायदा नहीं, राइट। सो ये 2 प्रॉब्लम्स है। सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व करने का तरीका है, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द सॉल्यूशन। तुम डायमेंशन घटा देते हो, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं इसके। पहला होता है फीचर या डायमेंशन का सिलेक्शन, और सेकेंड होता है फीचर एक्सट्रैक्शन, राइट। सो फीचर सिलेक्शन में क्या होता है कि लेट्स से तुम्हारे पास ये कॉलम्स है F1, F2, F3 till Fn, लेट्स से। तो तुम क्या करते हो, इसका एक सबसेट ले लेते हो। लेट्स से तुमने F1 लिया, फिर F10 लिया, फिर F15 लिया, फिर F20 लिया, और तुम इसके ऊपर अपना मॉडल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो तुम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट, तुम फीचर को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड सिलेक्शन। सेकेंड होता है बैकवर्ड एलिमिनेशन, ठीक है। एक और होता है बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन, बट ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। सिमिलरली फीचर एक्सट्रैक्शन में 2 टेक्निक्स यूज होती हैं, 3 एक्चुअली। एक होता है PCA, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फीचर एक्सट्रैक्शन में बाय द वे हम क्या करते हैं कि हम इन कॉलम से एक कंप्लीटली नया सेट ऑफ कॉलम्स बनाते हैं, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। इन्हीं से हम एक नया सेट ऑफ फीचर्स बनाते हैं। ये एक्चुअली ये जो नए कॉलम्स होते हैं ये पुराने कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ये लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर्स के ऊपर काम करते हो। हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम PCA पढ़ रहे होंगे, बट द होल आइडिया इज कि तुम अपने गिवन सेट ऑफ फीचर्स से एक कंप्लीटली नया सेट ऑफ फीचर्स बना रहे हो, ठीक है। यू आर एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स, ओके, एंड देन यू आर यूजिंग दीज फीचर्स, ओके। सो देयर इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, देन देयर इज वन मोर टेक्निक कॉल्ड LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एंड देयर इज वन मोर टेक्निक कॉल्ड PSNIC, ठीक है। ये 3 टेक्निक्स होती हैं, ओके। सो आई होप ये पूरा डिस्कशन समझ में आया। इन समरी आई वुड से हायर डायमेंशन डेटा इज डेंजरस फॉर योर मशीन लर्निंग मॉडल,
बिकॉज एक पॉइंट के बाद हायर डायमेंशनल स्पेस में काम कर पाना इज डिफिकल्ट राइट फॉर द एल्गोरिदम. सो वॉट यू डू इज यू डू डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ईदर बाय डूइंग फीचर सेलेक्शन और बाय डूइंग फीचर एक्सट्रैक्शन. दोनों में से कोई एक चीज करके अपना काम हम लोग चलाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी पीसीए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.